नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों आज है 24 जुलाई और आज इस वीडियो में 24 जुलाई करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में कोल्ड ड्रिंक कंपनियों ने खाली प्लास्टिक बोतलें को वापस खरीदना आरंभ कर दिया है, यानी कि वो कंपनी जो भी कंपनी अपनी बोतल होगी वो वापस खरीदेगी। तो यह किस राज्य में खरीदना स्टार्ट कर दिया है? तो राज्य का नाम है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में पेप्सी कोका कोला की जो भी प्लास्टिक की बोतल रहेंगी वो सब कंपनी अपनी अपनी वापस खरीद लेंगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हाल ही में खाड़ी के किस देश ने महिलाओं को हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति प्रदान की है? किस देश ने महिलाओं को हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति प्रदान की है? तो उस देश का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब में अभी तक महिलाएं प्लेन नहीं उड़ाती थी, लेकिन अब महिलाओं को भी प्लेन यानी कि हवाई जहाज उड़ाने की इजाज़त मिल गई है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, नासा के उस मिशन का क्या नाम है जिसे जल्द ही सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा? सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा, उस मिशन का नाम है पार्कर सोलर प्रो। दोस्तों पार्कर सोलर प्रो एक ऐसा मिशन है जिससे सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। यह एक मिशन है जो कि जल्द ही भेजने वाला है नासा द्वारा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी एफ आई ए ने किस पूर्व राष्ट्रपति और उनकी बहन फरयाल तालपुर सहित 20 लोगों को पाकिस्तानी रुपए में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति का नाम है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी नाम है पूर्व राष्ट्रपति का जो कि पाकिस्तान के थे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न, खेलो इंडिया योजना के तहत कितने युवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया है? खेलो इंडिया योजना के तहत कितने युवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया है? दोस्तों यह 734 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी, 734 छात्रों को। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा वैश्विक मनोरंजन जगत को प्रभावित करने वाले शीर्ष 500 लोगों की सूची जारी की है? तो उस पत्रिका का नाम वैरायटी पत्रिका। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मी मंत्रालय की सलाह पर अपने अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC और ST के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला किया है? पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला किया है। तो राज्य का नाम है दोस्तों बिहार सरकार ने। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर यानी कि DBS की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत चीन इंडोनेशिया और सिंगापुर समेत एशिया के 10 प्रमुख देशों की कुल GDP किस देश को पीछे छोड़ देगी? वह देश है अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। किसकी? अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। इसके बाद चल देंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद ने फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बिजली से चलने वाले कुछ घरेलू उपकरणों समेत कुल 88 वस्तुओं पर GST दर 28 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? 28% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो वह है 18% कर दी है। पहले 28% GST टैक्स लगता था, अब
18% लगेगा, ऑनली 18% लगेगा, इसमें 10% की कटौती की गई है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारतीय धावक मोहम्मद अनस याहिया ने चेक गणराज्य में हुए एक इवेंट में कितने मीटर रेस में 45.24 सेकेंड से स्वर्ण पदक जीतकर दूसरी बार अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो वह है दोस्तों 400 मीटर की दौड़। 400 मीटर की दौड़ उन्होंने 45.24 सेकेंड में क्लियर की है, कितनी? 400 मीटर दौड़। और इन्हें ही इन इन ही नहीं अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया था जो कि 45.31 सेकेंड में था, और अब हो गया 45.24 सेकेंड। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।